तो गाइस आज मैं आया हूँ ना कुतुब मीनार दिल्ली। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कुतुब मीनार। चलिए बढ़ते हैं। वैसे मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ 2015 में, आज से सात आठ साल पहले आया था, लेकिन आज फिर दोबारा आया हूँ। तो चलिए देखते हैं कुतुब मीनार। ये रहा कुतुब मीनार, ये देखिए। अरे बाप रे, एरोप्लेन। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। यहाँ पे अगर आपको कोई गाइड करना हो तो वो 200 रुपया लेता है, और वो आपको यहाँ का जो भी है सारा दिखाएगा, एक एक चीज़। पीछे बोल रहा था बंदा के 200 रुपये मतलब एक उसके चार्जेज हैं। बड़ी ही मतलब शानदार जगह है ये कुतुब मीनार। ये देखिए आज 29 अप्रैल और लोगों की भीड़ देखें, कमाल है यार। दिल्ली की फेमस जगह में से एक है ये कुतुब मीनार। ये देखिए मतलब क्या यार खूबसूरत प्लेस है भाई। मतलब यहाँ पे आके नज़ारा आ जाता है। और यहाँ का मैं गाइस आपको ये बता दूँ, जो यहाँ का टिकट प्राइस है वो है 40 रुपीज़, और अगर आप ऑनलाइन मतलब करवाते हो तो उसके मतलब 35 रुपीज़ हैं। और आज यहाँ का लैपटॉप ख़राब होने के कारण मुझे ऑनलाइन ही बुक करवानी पड़ी, तो जो उसके चार्जेस मेरे को पड़े हैं वो हैं 35 रुपीज़। एक ये लोकेशन है, यहाँ पे कपल्स मतलब फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करते हैं। ये देखिए आपके सामने जैसे कि वो कपल बैठे हुए हैं, और इसी तरीके से ये बहुत ही अच्छा प्लेस है गाइस। मेरे को पुरानी यादें मेरी आज फिर से ताज़ा हो गई। यहाँ पे मैंने बहुत सी फ़ोटोग्राफ्स मतलब कैप्चर की थी, लेकिन वो जो मेरा पहले वाला मोबाइल था वो ख़राब होने के कारण वो सारी फ़ोटोज़ मेरे से मतलब मिस हो चुकी हैं। और ये देखें, वाह सुपर्ब, मतलब वाह सुपर्ब। ये देखें एक बहुत ही बढ़िया प्लेस दिल्ली में। जब मैं लास्ट टाइम यहाँ पे आया था तो वो इतनी भीड़ नहीं थी जितनी के आज है। और ये देखें, वाह यार, मतलब फ़ोटोशूट के लिए अगर बेस्ट प्लेसेस का जिक्र होगा तो मेरे हिसाब से कुतुब मीनार नंबर वन पे आएगा दिल्ली में। मुझे कुछ कुछ ना, जैसे चंडीगढ़ का रॉक गार्डन है ठीक है, तो वहाँ का कुछ कुछ मतलब फील हो रहा है वैसा ही मेरे को, क्योंकि वैसे वहाँ पर भी ऐसी ही लोकेशंस हैं। और ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन है। 2000 जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2015 में मैं यहाँ पे आया था, और तब बिल्कुल भी लोग यहाँ पे नहीं थे। आज तो काफ़ी लोग आए हुए हैं यहाँ पे। और ये देखें बेस्ट लोकेशन इन दिल्ली फॉर फोटोशूट। और मतलब यार कमाल है। ये देखिए यहाँ पे पार्क बैठने के लिए कुतुब मीनार में। यहाँ पर भी वाइज मैंने, मेरे को याद आ गया, यहाँ पर भी मैंने पिक्स जो कैप्चर की थी। और ये देखिए
ये देखिए इधर की लोकेशंस, कमाल है यार। मैं सीरियसली यहाँ पे एक पहाड़ टाइप सा कुछ बना हुआ है, पहाड़ टाइप मतलब एक बहुत ही बड़ा पत्थर का मतलब बना हुआ है, वो लोकेशन भी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे एंट्री है, इधर दूसरी साइड वो देखें, वो वहाँ पे मैंने एक पिक ली थी, वो आ गया याद, वो जो मैंने आपको बोला था ना, यहाँ पे मेरी एक पिक है, वो पता नहीं अब वो मेरे पास होगी पिक या नहीं, यहाँ पे मैंने एक पिक ली थी। सबसे खूबसूरत जगह कुतुब मीनार दिल्ली में, और यहाँ पे जो दिल्ली के वासी हैं, मैं उन सभी के लिए एक मतलब कहना चाहता हूँ कुछ, कि दिल्ली की जो कहते हैं कि दिलवालों का है, ठीक है, वो सीरियसली है, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। मुझे ऐसा फील ही नहीं हो रहा कि मैं दिल्ली में आया हुआ हूँ। अगर मैं किसी से कोई रास्ता पूछता हूँ तो कई लोग मेरे को मिले हैं ऐसे, जो मेरे को काफ़ी दूर दूर तक मतलब लेकर छोड़ के आए हैं, और मतलब के इतनी रिस्पेक्ट से बात करते हैं दिल्ली के लोग, और पुलिस वाले भी बहुत सपोर्टिव हैं, और बहुत अच्छी है दिल्ली की पुलिस भी। ये बता देना चाहता हूँ, जब से मैं कुतुब मीनार में एंटर किया हूँ, 5 से 6 जहाज़ मैं इतनी पास से देख चुका हूँ, कई जहाज आ गए, और तकरीबन मुझे 1 घंटा हुआ है, 5-6 जहाज ऐसे ही निकल चुके हैं यहाँ पर। ये सर मेरे को मिले हैं, सर आपका नाम क्या है? एम ए रहीम, अब्दुल रहीम। ओके, आप कहाँ से हो सर? धामपुर नगीना। धामपुर नगीना कहाँ पे? जिला बिजनौर, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से। और आप यहाँ पे क्या करते हो सर? बेकरी का कारोबार है। कैसे? बेकरी का कारोबार। अच्छा, ठीक है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं आगे। ये देखिए, ये इल्तुतमिश का मकबरा, ये है यहाँ का जो भी ये इतिहास है सर, ये लिखा है। अच्छा, मैं समझ गया। ये देखें, बहुत ही एक ब्यूटीफुल प्लेस इन दिल्ली। आज भगवान की कृपा से मौसम भी बहुत बढ़िया है। और यहाँ की जो भाई पुलिस है, जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया है कि पुलिस भी बहुत सपोर्टिव है, जब मैं उनसे कोई एड्रेस वगैरह पूछने के लिए गया, ठीक है, तो मतलब एक दूसरे शहर में आया हूँ तो मेरे को किसी ने कुछ मतलब बोला नहीं कि हाँ आप अपने कागज़ दिखाओ या फिर कुछ भी, बहुत ही सपोर्टिव है दिल्ली पुलिस, और बहुत ही अच्छे से मुझे मतलब ट्रीट किया गया है पुलिस की ओर से, और हैट्स ऑफ टू दिल्ली पुलिस। और दिल्ली के लोगों का तो क्या कहना, दिल वालों का है दिल्ली, और ये चीज़ बिल्कुल सच है, यहाँ के लोगों ने दिखाया है ये सब, इतना प्यार। भाई साहब, ये रहा वो पहाड़ जिसके सामने मैंने पिक कैप्चर की थी, और यहाँ पे जो वो अब्दुल रहीम जी मुझे मिले हैं, और उन्होंने अपने बारे में बताया कि वो भी यहाँ पे मतलब बेकरी वगैरह का काम करते हैं, और उन्होंने भी बहुत ही अच्छा ट्रीट किया है, और वो भी आज ही आए हैं यहाँ पे हैदराबाद से। अब एग्ज़िट करने का टाइम आ गया है,
तो गाइस अब बुक करने का टाइम आ गया है और यहाँ पे बारिश शुरू हो गई है, तो जिसके कारण मुझे यहाँ से जल्द निकलना पड़ेगा। बारिश के कारण अब मुझे सेफ जगह पे जाना पड़ेगा, और क्योंकि अभी स्टार्ट ही हुई है और पहुँचना पड़ेगा मुझे कहीं ना कहीं ऐसी जगह, शायद जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ वहीं पे मेरे को जाना पड़ेगा। तो चलिए अब चलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।